फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जैसा कि सभी जानते हैं कि नवरात्रि का मौसम चल रहा है और इसके बाद सबको इंतजार है दशहरे का। दशहरे के मौके पर सब लोग रावण देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। शहर में कई जगह पर रावण का मेला लगता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज हम जिस ग्राउंड में मौजूद हैं उसका नाम है भैंसाली ग्राउंड। ये बहुत फेमस है, मेरठ का एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर ऊँचे ऊँचे रावणों को सजाया जाता है। लेकिन रावण तो 2 मिनट में फूक जाता है, लोग उसे देखने के लिए इतने दूर से आते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है कि रावण को किस किस क्या क्या प्रोसीजर होता है। पहले उसकी गर्दन तैयार की जाती है, फिर उसके हाथ, कहीं पे पैर। तो आज हम आपको यही दिखाएंगे कि जो रावण आप देखने के लिए आते हैं, जो जल जाता है, 2 मिनट लगते हैं उसे जलने में, जिसमें बहुत सारे पटाखे भी भरे जाते हैं, वो कैसे बनाया जाता है और कितनी मेहनत उसे बनाने में लगती है। आज हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सारी मेहनत इस रावण को बनाने में लग गई है। क्या नाम है सर आप? असलम भाई। बताइए असलम भाई की कितनी मेहनत लगती है उसको बनाने में, लोग जो आते हैं इसे देखने। मेहनत तो इनमें बहुत लगती है, हमें 1 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। हमने रावण बनाया, कुंभकर्ण बनाया, मेघनाथ बनाया, इसमें 1 महीना लगा बनाने के लिए। 80 फुट का हमारा रावण है। रावण जो है 4 घोड़ों के रथ पर सवार है और उसके अंदर एक और बढ़िया बात है कि आपकी आँखें चलती भी हैं, चरखी घूमती हुई हाथ में, और पहले से बड़ा लंबा चौड़ा है, काफ़ी अच्छे से सजावट है। तो जैसे जैसे वक्त में बदलाव आया है, आप सोचते होंगे कि हर बार उसके अंदर कोई नई नई चीज़ें हम ऐड करें। इस बार भी आपने मतलब आप बोल रहे हैं कि आँखें मतलब उसकी मटकेंगी, तो कैसे आप इसको करते हैं कि लोगों को वो अट्रैक्ट? चला कर दिखाएंगे चलते हुए। हाँ चलेंगे अभी, क्या हो तो थोड़ी सी एक मशीन अंदर लगाई गई जिससे आँखें चल रही है धरा। तो आप आज हम चाहेंगे कि ये बताएं किस तरीके का पेपर, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, पहले क्या तैयार हुआ, फिर क्या तैयार हुआ? पहले गर्दन बनाई, चेहरा बनाया, इसके ऊपर कागज़ चिपका के, कपड़ा चिपका के, फिर पेपर लगाया बढ़िया वाला, आँख नाक सब चीज़ें खोली गई, इसके अंदर पंखे बनाए गए हैं, हर चीज़ अलग अलग बनाई जाती है इसकी। बारीकी के साथ आप बनाते हैं कि पलकें भी बनाई गई हैं, तो ये बताइए कि ये काफ़ी टाइम तक टिका रहे, क्योंकि अभी आज आप बना रहे हैं, कल दशहरा है, तो कोई नुकसान ना हो और इसका जो नींव है इसकी वो बिल्कुल मजबूत रहे, उसके लिए आप काफ़ी अच्छी मजबूत बनाए कि जैसे बारिश हुई उसके अंदर भी ऐसे रखा रहा है, बिगड़ता नहीं। हाँ 2-4 महीना अगर जलाया नहीं जाए तो साल से साल चलेगा ये। काफ़ी मजबूती से बनाई गई है ना इसलिए। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि बारिश में भी वो रावण ऐसा कैसा यहाँ पर था, कुछ उसका बिगड़ा नहीं, अगर उसे चलाया ना जाए तो सालों साल रह सकता है। खैर यहाँ पे और भी चीज़ें मौजूद हैं, एक एक करके वहाँ पर भी रुक करते हैं। तो जैसा कि भाई असलम भाई ने बताया कि 4 घोड़ों के रथ पर सवार होगा रावण, इस बार एक नई उन्होंने इनोवेशन इसमें किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घोड़े हैं वो पूरी तरीके से सज चुके हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे और इसके अंदर थोड़ी सी कलाकारी दिखाई जाएगी और इसके बाद दशहरे वाले दिन इसे पूरी तरीके से लोगों के सामने पेश करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम असलम भाई से ये भी पूछेंगे कि ये 4 घोड़ों का जो रथ बनाया गया है इसमें कितने मजदूर लगे, किस किस तरीके से इसको बनाया गया, आप बताइए कितने लोगों की मेहनत इस पूरी चीज़ को बनाने में? ये सब पूरा 1 महीने लगा 8 बंदों को, हम 8 जने थे यहाँ काम कर रहे थे इसी जगह मैदान के अंदर, 8 दिन लगे बनाने के लिए। काफ़ी मेहनत से बना है और एक एक चीज़ बड़ी मजबूती से बनाई गई है इसकी, सब कुछ बढ़िया बना हुआ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कई बार लोग बोलते हैं, जैसा कि अभी बीच में मुद्दा उठा कि मुसलमान इसको नहीं बनाएगा, सिर्फ हिंदुओं का हाथ लगेगा रावण बनाने में, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ लोगों की सोच ये कहाँ जा रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं है, हम ही बनाते वारे, मुझे 38 साल हो गए यहाँ बनाते हैं इसी मैदान के अंदर, हर साल मुझे बुलाया जाता है और काम दिया जाता है और अब भी पहले से अच्छा काम कराया गया, बुलाने में हमें कोई बुराई नहीं करेगी। हाँ कोई और है भी नहीं बनाने वाले का, ये बनाने वाले भी मोमदन, सबसे बड़ी बात तो यही है, इसीलिए हम यहाँ पर आए बनाने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी में 38 साल से आप यहाँ पे बनाते आ रहे हैं, कोई ऐसी याद आपके लाइफ में रही है जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि 38 सालों में कोई एक ऐसा पल था रावण बनाते हुए या फिर दशहरा के मेले में? 82 में कर्फ्यू लगा हुआ था, मैंने 82 में कर्फ्यू बनाया, 87 में कर्फ्यू लगा हुआ था, जब भी मैंने बनाया यहाँ पर तब के 12 घंटे का कर्फ्यू खुला था दशहरे वाले दिन, लेकिन तब भी मैं यहीं रहा, बनाया मैंने यहीं बैठ कर बनाया और अच्छा तैयार करके फूका है रावण।
तो यहाँ पे जो और आठ कारीगर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से यहाँ पर रावण मेला की तैयारी की जा रही है, दशहरे मेले की तैयारी की जा रही है, रावण को बनाया जा रहा है, मेघनाथ को बनाया गया है, और कुंभकर्ण के बिना तो वो बिल्कुल अधूरा रहता है। तो उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, किस तरीके से वो अपने दिमाग में नए नए आइडियाज़ लाकर नए नए इनोवेशन को डेवलप करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम सुधीर वीर पवार है जी। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रावण का हाथ तैयार हो रहा है। जी जी जी, ये रावण का हाथ बन रहा है जी, और यहीं सदर थाने के पीछे रहने वाले हैं, हमारे स्वर्गीय कैलाश भगत जी पिताजी का नाम। और इस साल ही आया हूँ मैं भी चाचा असलम के पास, मैं आकर के यहाँ देखा करता था, मुझको इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है और मैं आके देखता था यहाँ पर, तो चाचा कहते थे हमारे असलम चाचा, भाई लड़का आता है रोज़, इससे पूछो क्या क्या बात है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने चाचा मेरे को भी हमारा भी यही काम होता है, हमारी छड़ी उठती है बाबा जारवीर की, तो उन्हीं के माध्यम से मेरे को थोड़ा काम आता है। उन्होंने कहा ठीक है आप ट्रेनिंग पाओ कल से, इन्हें मेरा काम अच्छा लगा इसलिए इन्होंने मुझे ऑफर दिया आने के लिए, मैं आया फिर यहाँ पर और इन्हीं के साथ में सहयोग में लगा हुआ। तो अभी तक आपने मतलब ये तीनों चीज़ बनाने में क्या क्या योगदान दिया है, और हर बार कुछ नया करने के लिए आप क्या करते हैं? नया के लिए मैम इसमें ये चलने वाली बनाई है ढाल, और बिल्कुल देख सकते हैं आप, इन्होंने ये नया एक तरीका निकाला है कि जब उसका हाथ होगा तो वह इस तरीके से घूमेगा, बहुत सुंदर लग रहा है। जी जी, और रावण की हमने आँख नए तरीके से चलती हुई दिखाई है, ढाल चलती हुई दिखाई है, चार रथ चार घोड़ों के ऊपर रथ के ऊपर ये रावण तैयार करा जा रहा है। तो रावण के 10 मुंह होते हैं ये सब जानते हैं, इसीलिए उन्हें दशानन भी कहा जाता है। रावण का इतना बड़ा मुंह यहाँ पे जो तैयार हो रहा है उसे नहीं अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो ये पैकेज बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनोवेशन उन्होंने किया है वो है रावण की आंखें, वो इस तरीके से इधर से उधर होंगी, तो मतलब जब लोग यहाँ पे देखने आएंगे तो उन्हें ये चीज ये क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। क्या क्या मटेरियल इसमें यूज किया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेपर बच्चों के क्राफ्ट में यूज होता है इतनी बड़ी बड़ी मूछें बनाने के लिए, और फिर यहाँ पे रावण के और एक्स्ट्रा जो फेसेस होते हैं वो, और यहाँ पे रावण के कुंडल भी कान में लटके हुए हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए कि कितना सुंदर ऊपर से लेकर नीचे तक रावण का पूरा फेस तैयार किया गया है, इधर उसका धड़ तैयार किया जा रहा है, और फिर बाद में दशहरे के मौके पर इन सबको जोड़ा जाएगा और फिर आपके सामने पेश होगा पूरा का पूरा एक 10 फुट का रावण, उसका भाई और जो उनका बेटा होता है, तीनों रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की जोड़ी यहाँ पे तीनों आपके सामने तैयार हो रही हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं ग्राउंड में, क्योंकि गली मोहल्लों में जब कोई ऐसी कलाकारी वाली चीज़ होती है तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और बच्चे हैं तो उनका मन तो चंचल होगा ही। उनसे पूछते कि उन्हें यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसी लग रही हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सनी है। आपका क्या नाम है? हेमंत। कैसा लग रहा है यहाँ पे रावण मेघनाथ ये सब तैयार होने, आप जानते हैं उसके बारे में? हम यहाँ 1 महीने से आ रहे हैं, ये हर साल रावण बहुत अच्छा बनता है, हमें भी आते यहाँ 5 साल हो गए आते हुए। 5 साल से आ रहे हो, मतलब तुम छोटे से थे अब इतने बड़े हो गए हो आते आते, तुम्हें कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो आपने देखा नहीं कि कैसे कैसे बनता है, हम भी थोड़ा सा कुछ करें? नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, रामायण के बारे में जानते हो सब कुछ? अच्छा बताओ, राम के कितने भाई थे? राम के 4 भाई थे। नाम पता है? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत। तो रावण कैसे बन रहा है और कितने लोगों की मेहनत से बन रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस रावण को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ने वाली है वो नज़ारा कैसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टेज किस तरीके से तैयार हुआ हुआ है, फिलहाल तो यहाँ पे सब कुछ ढका हुआ है, लेकिन कैसे होता है, क्या क्या बैकड्रॉप्स लगे हुए हैं, इधर लाइटिंग्स की क्या तैयारियां हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद सीधा रुक करते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इधर थोड़ा सा रुक करें, दिखाएं कि यहाँ पर पूरी जनता आकर बैठने वाली है, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये आप देखिए कि लाइटिंग से लेकर जो झूले हैं यहाँ पे, स्टॉल्स लगेंगे, वो सारी प्रिपरेशंस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है, अगर आप लोग लाइव देख पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ ही आपको दिखाने के लिए। तो ये सारी तैयारियाँ मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसके बाद जो दशहरे मेला शुरू होगा वो भी सारी तैयारियाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे लोग आए, क्या क्या हुआ, कितनी खुशी से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया रावण को देखने आने के लिए। तो आज मैंने आपको दिखाया कि रावण कैसे बन रहा है, कितने लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, किस मटेरियल के साथ बनाया जाता है,
और एट द एंड कि यहाँ पे ऑडियंस जो बहुत भारी संख्या में आने वाली है उनके लिए यहाँ पे क्या क्या प्रिपरेशन हुई हैं। तो फिर से लौटेंगे, ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप तक लेकर ज़रूर आऊँगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए कैमरा पर्सन यूसुफ खान के साथ प्रेरणा तलवार फर्स्ट बाइट टीवी।